मार्ग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीज को नहीं मिल सकी एम्बुलेंस सेवा। हम आपको बता दें, जनपद सीतापुर के थाना क्षेत्र कमलापुर के अंतर्गत 29 जुलाई को करीब 2 बजे गुड़िया पत्नी स्वर्गीय सुरेश अपने पड़ोसी आदिल के साथ कमलापुर गंज से अपने घर वापस आ रही थी। तभी कमलापुर से 1 किलोमीटर दूर सिंह ढाबे के पास अचानक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें गुड़िया गंभीर रूप से घायल हो गई। चालक आदिल का पैर टूट गया। राहगीरों के द्वारा एम्बुलेंस सेवा को फोन किया गया, परंतु एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा ऑटो रिक्शा से किसी तरह मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा के डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल सीतापुर के लिए रेफर कर दिया। फिर भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा से जिला अस्पताल सीतापुर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। तब परिजनों के द्वारा जिला अधिकारी विशाल भरद्वाज को फोन मिलाया गया। जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून, बताइए। जी डीएम साहब से सीतापुर से बात हो रही है। जी डीएम साहब को जी बोला था। जी आरटीए केस हुआ था स्टेडेंटल सिंह ढाबे के पास, ठीक है। 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं। मैं ऑटो से सीएससी कसमंडा मरीज लेकर आए हैं। मरीज वगैरह बहुत गंभीर है और मैं 2 घंटे से सीएससी कसमंडा से एम्बुलेंस मतलब डॉक्टर साहब ने रिफर कर दिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। 2 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई भी एम्बुलेंस की सहायता नहीं मिल रही। मैं कम से कम 100 बार 108 102 पे कॉल कर चुका हूँ। कह रहे हैं मेरे अधिकारी बिजी हैं, लाइन पे हैं, कोई सहायता नहीं की जा सकती, मरीज की जान बिल्कुल खतरे में है। आप हैं कहाँ पे भाई? कहाँ पे हैं? सीएससी कसमंडा। जी मरीज के परिजनों के द्वारा 102-108 नंबर एम्बुलेंस पर कई बार फोन किए जाने के बाद जब एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल सकी, तब परिजनों ने सीएससी अधीक्षक के पास गए तो सीएससी अधीक्षक अपने कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। तब जाकर एम्बुलेंस न मिलने पर मरीज के परिजनों ने डीएम सीतापुर को फोन मिलाया। फिर डीएम साहब के कहने पर स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली और मरीज को एम्बुलेंस मिल सकी।